झारखंड सरकार के अनलॉक 6.0 की आज पहली पूर्ण लॉकडाउन है और आपको बता दें कि आज भी धनबाद कोयलांचल के तमाम इलाकों में तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। अभी हम धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट में हैं और आप ठीक हमारे पीछे पीछे का भी नज़ारा आप देख रहे हैं और सामने देख सकते हैं कि तमाम जो दुकानें हैं वो आज बंद पड़ी हुई हैं और लोगों ने सरकार के गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानों को बंद रखने का काम किया है। और सबसे अहम बात यह कि ये जो दुकानें हैं, तमाम तरह की दुकानें जो बंद की गई है, क्या किसी ने इस नियम का अवहेलना किया? और अगर नियम का अवहेलना किया तो उस पर किस तरह की कार्रवाई हुई है? थोड़ी देर पहले सूचना मिली है कि SDM आवास में कुछ लोगों को पकड़ कर रखा गया है जिन लोगों ने अनऑथराइज तरीके से दुकान खोल कर रखने का काम किया था। तो सीधे हम अब यहाँ से SDM के बंगले की तरफ चलेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर क्या मामला है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि SDO के बॉडीगार्ड के द्वारा, जो उनके अंगरक्षक हैं, उन लोगों ने कुल 5 लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए हिरासत में लिया है और उन तमाम लोगों को अब धनबाद थाना और सरायढेरा थाने के हवाले कर दिया गया है। 4 लोग जो पकड़े गए थे वो सदर थाने के हवाले किए गए हैं, जबकि एक व्यक्ति जो कि राशन दुकानदार है वह सरायढेरा थाने के हवाले किया गया है। जो 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं उसमें से 3 लोग मटन बेचने वाले हैं और एक व्यक्ति राशन दुकानदार हैं। सबसे अहम बात यह है कि जब सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि रविवार को दुकानें बंद रहेंगी तो किस परिस्थिति में ये लोग दुकान खोल रहे हैं, यह भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और अगर ये लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई तो होना तय ही है। बहरहाल मिरर मीडिया अपने तमाम दर्शकों से अपील करती है कि सरकार ने अगर लॉकडाउन की अवधि को महज 1 दिन के लिए रखा है, वह भी सिर्फ रविवार को, तो उसका पालन आप अवश्य करें। सहयोगी राजेश कुमार के साथ राजकुमार जायसवाल, मिरर मीडिया, धनबाद।